education with moral values, the only institution with our latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur. पाकिस्तानी कराना साजिश से हुए पुलवामा आतंकी हमले में 41 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के बाद पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल रहा है। विरोध प्रदर्शन करके पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। शनिवार को जालौन के कालपी में फुल पावर चौराहे पर नरेंद्र मोदी विचार मंच ने आतंकवाद का पुतला दहन किया। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आतंकवाद का पुरजोर विरोध करते हुए सैनिकों की शहादत का बदला लेने की मांग की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि शहादत गर्दी की इस्लाम में कोई जगह नहीं। आतंकवादियों के द्वारा जो ये हिंदुस्तान के सैनिकों के ऊपर जो अटैक किया गया और ये कायराना जो हरकत की गई है उसके खिलाफ आज जो जन आक्रोश उभरा है कालपी नगर के व्यापारियों ने उसके अपने सैनिकों के समर्थन में और उन आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करने के लिए सरकार को जगाने के का कार्य किया है। इस कैंडल मार्च के जरिए हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं, भारत सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और सारे भारतवासी, सारे देश के कालपीवासी और हमारे कालपी के निवासी सब सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब दें। इसके अलावा दोपहर में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर पाकिस्तान के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खात्मे की मांग की। शाम होते ही ब्राह्मण महासभा की कालपी इकाई द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं मौला आलमपुर के छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद टंडनगंज बाजार के व्यापारियों ने भी कैंडल मार्च निकाला। कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।